Hello everyone and welcome to my channel Grace and Glow. This is Manjula Singh, your beauty expert. Festive season है, ऐसे में skin, hair सब कुछ होने चाहिए on point. और pimples परेशान करता है. यहाँ तक कि मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मेरे भी कभी एक साइड में pimples हो जाते थे, कभी दूसरी साइड में. तो मैं सुबह सुबह सोचती थी इसको क्या करूँ कि मिनटों में चला जाए. तो चलिए मिनटों में तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे कि 2-3 दिन में तो डेफिनेटली चले जाएंगे. सिर्फ पिंपल्स ही नहीं जाएंगे, बल्कि जो भी आप मैं अप्लाई करने के लिए बताऊंगी उसको अगर रेगुलर यूज करें तो पिंपल्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ जो स्कार्स छोड़ के जाते हैं पिंपल अपने पीछे, वो भी उससे चले जाएंगे. पिंपल्स होने के कई रीज़न हो सकते हैं. मे बी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एज फैक्टर, एडोलेसेंट एज, या फिर क्लीन नहीं होना सिस्टम का, या फिर बहुत सारे रीज़न, पॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड खाने की वजह से. रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पिंपल एक बार हो जाता है तो वो ज़िद्दी होते हैं, जाते नहीं हैं जल्दी. तो ये रेमेडीज जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप अप्लाई कीजिए और इससे फ़ायदा ज़रूर होगा. तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द एक्ने ट्रीटमेंट. तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि पिंपल को सप्रेस कैसे करना है. ऐसे कोई भी एक आइस लेंगे और उसे हम सॉफ्ट मलमल के कपड़े में, जैसे ये मैंने बहुत ही सॉफ्ट मलमल का कपड़ा लिया है, उसके अंदर उस आइस को ऐसे डाल दीजिए और जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ पे इसको रख कर ऐसे प्रेस कीजिए. थोड़ी देर तक, कम से कम 5 मिनट तक इसको पिंपल्स के ऊपर प्रेस करने से क्या होगा कि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और सप्रेस हो जाएगा. उसके बाद आप अपना स्पॉट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. अब शुरू करते हैं हम स्पॉट ट्रीटमेंट, जो स्पॉट पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा. तो ये सिनेमन पाउडर है, बहुत थोड़ा सा लेना है, वो डिपेंड करता है आपके कितने पिंपल्स हैं. और सिनेमन में थोड़ा सा हनी मिलाइए, इतना ही जिसमें इसका पेस्ट बन सके, इस तरह से. हाँ, सिनेमन में एक बात है कि ये शायद आपके पिंपल्स के ऊपर हल्का सा बर्निंग सेंसेशन देगा, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसके कोई आपका नुकसान नहीं होगा. हाँ, थोड़ा सा अगर इसको सूद करने के लिए कुछ चाहिए तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, नहीं तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी. और इसको आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ मैं इसको हाथ पे करके दिखा रही हूँ एग्जैक्टली आप इसी तरह से फेस पे लगाना है, इस तरह से. जहाँ स्पॉट है वहाँ आप इस सिनेमन हनी के मिक्सचर को लगाइए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालिए अगर आपको लगता है कि जलन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होगा. और इसको कम से कम आप 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दीजिए, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दीजिए. अब ये दूसरा स्पॉट ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये मिक्सचर है पानी का और एप्पल साइडर विनेगर का. इसमें हम कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की डालेंगे, कुछ ही बूंदें डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एप्पल साइडर विनेगर डला हुआ है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो होते ही हैं, साथ ही साथ पिंपल स्कार को भी हटाने के प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो इसको मैं बताती हूँ लगाना किस तरह से है. इस तरह से एक कॉटन लेंगे और थोड़ा सा डिप करेंगे और जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ पर इसको यूँ प्रेस कीजिए लगा कर, इस तरह से. आधे घंटे तक लगा कर रखना है, उसके बाद सादे पानी से धो देना है. अब मैं जो आपको फेस वॉश बताने जा रही हूँ, एक फेस मास्क है बेसिकली, जो आपके पिंपल को रिमूव भी करेगा, उसके दाग को भी हटाएगा और फ्यूचर में उसको ज़्यादा आने भी नहीं देगा. इसको आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना है, पिंपल के होने से लेकर उसके ठीक होने तक और उसके बाद भी. मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ बूंदें लेमन की, उसमें हम ऐड करेंगे 1 फुल स्पून बेसन, प्योर टर्मरिक, थोड़ा सा, और ये है सैंडलवुड पाउडर, ये भी थोड़ा सा. जितना आप टर्मरिक लेंगे उतना ही सैंडलवुड पाउडर लेंगे. ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. ये हैं ऑरेंज पील पाउडर और दूसरा है नीम पाउडर, जो ड्राई नीम होते हैं उसका पाउडर है. ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है. इसको आप पूरा 1 चम्मच लेंगे, इसे इस तरह से, जो ड्राई चीज़ें हमने डाली हैं इसको आप मिलाकर बिना नींबू के जूस के आप 1 महीने तक एक कंटेनर में रख सकते हैं. और जब जब आपको यूज़ करना है उस समय आप लेमन जूस मिलाइए और थोड़ा सा कर्ड मिलाइए, जिसमें इसका पेस्ट बनाया जा सके, और थोड़ा सा रोज वाटर. ये जस्ट एक सूदिंग एजेंट होगा. ये रेडी है आपका फेस मास्क.
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो आप लेमन नहीं ऐड करके कुकुम्बर जूस ऐड कर सकते हैं। अगर ऑयली है तो लेमन ऐड कीजिए, ड्राई है तो थोड़ा सा आलमंड ऑयल ऐड कीजिए। ये हो गया आपका फेस पैक रेडी। इसको हाथ से या ब्रश की सहायता से पूरे फेस पे इस तरीके से पतली सी लेयर लगानी है, बिल्कुल इस तरह से पूरे चेहरे पे लगाइए, आंखों के आसपास नहीं लगाना है। और इसको कम से कम हम आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ देंगे, और आधे घंटे के बाद जब ये सूख जाएगा तो इसको वॉश कर देना है ठंडे पानी से, प्लेन वाटर से। उसके बाद आपको कोई फेस वॉश या किसी तरह का साबुन का यूज़ नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपका स्पॉट ट्रीटमेंट भी हो गया, प्रिवेंशन भी मैंने बता दिया जो एप्पल साइडर विनेगर से आपका करना है, ये फेस वॉश भी रेडी हो गया। अब कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो आपको नहीं करना है। आपने कई जगह पे पढ़ा होगा या वीडियोस में देखा होगा कि एक्ने के लिए हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट या फिर विक्स वेपरअप, वो नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे आपको लगेगा कि एक्ने ड्राई हो रहे हैं, लेकिन वो एक्ने क्या ट्रीटमेंट नहीं है, वो टेम्प्ररी है। तो इस वजह से आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं कीजिए। अगर करना है थोड़े दिन के लिए फ़ायदा होगा, आप करके देख लेना, उसका बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। Hope your video आपको पसंद आएगा। See you soon in my next videos. Take care and bye bye.